हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपत्तिजनक बयान देने वाला होमगार्ड सुपरवाइजर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होते ही इसमें वैमनस्य फैलाने वाले होमगार्ड के सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अपने स्तर पर वीडियो देखने के बाद इस सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मैं पूरे हिंदुस्तान समाज से मैं बात मांगता हूं कि मैं भविष्य में ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रखा था। आईटी टीम ने उसकी जांच की तो इसमें बहुत आपत्तिजनक बातें मिली। वीडियो वायरल होते ही कई लोग इस सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महामंदिर पुलिस थाने में पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच की तो इसमें बोलने वाला होमगार्ड का सुपरवाइजर मोहम्मद फारूक गौरी निकला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्वयं के स्तर पर मामला दर्ज कर इस मोहम्मद फारूक गौरी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी यादव ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के गलत मैसेज, फोटो व वीडियो ना डालें। हमारी आईटी टीम ऐसे संदेशों पर लगातार निगाह रख रही है। ऐसे में कोई भी आपत्तिजनक संदेश मिलते ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हाथों हाथ एक्शन लिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हमारी निगरानी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इस तरह के मैसेजेस टॉलरेट डालेंगे उन्हें भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उन्हें भी बुक किया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह के चीज़ों में नहीं पड़े, एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, इस तरह का कार्य नहीं करें, अन्यथा स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई भुगतना पड़ेगा। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।